नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं सुरेंद्र मोहन पाठक जी द्वारा लिखा गया सुनील सीरीज का एक और मज़ेदार उपन्यास शूटिंग स्क्रिप्ट। ब्लास्ट का चपरासी जिस युवती को सुनील की केबिन में छोड़कर गया, वह 1000 वाट के बल्ब की तरह चमक रही थी। वह सुंदर थी, लेकिन उसकी सुंदरता में कोई विशेषता नहीं थी। बड़े शहरों की बनाव श्रृंगार और पोशाक की तहजीब रखने वाली सैकड़ों हजारों युवतियों जैसी ही एक युवती थी वह। ऐसी युवतियों की खूबसूरती पर लोगों की निगाह बहुत देर में पड़ती है, कभी कभार पड़ती ही नहीं, लेकिन जिस्म का एक एक कटाव नुमाया करने वाली पोशाक पर पहले पड़ती है, हेयर स्टाइल पर पहले पड़ती है, लिपस्टिक के रंग और मस्कारे की वानगी पर पहले पड़ती है, बनावटी हाव भावों पर पहले पड़ती है और फिर अक्सर वहीं टिक कर रह जाती है। सुनील उस किस्म को खूब पहचानता था। युवती मशीन गन की रफ्तार से चिंगम चबाती हुई केबिन में दाखिल हुई। उसने एक नपी तुड़ी निगाह सुनील पर डाली, चिंगम चबाने की क्रिया को अस्थाई ब्रेक लगाई और फिर तपाक से बोली, मुझे आपसे मिलना है। सुनील हड़बड़ाया। उसकी खोजपूर्ण निगाह युवती पर फिर गई, जो फिर चिंगम चबाने लगी थी। आपको नहीं मानूं, आपको किससे मिलना है? सुनील सुसंयम स्वर में बोला। मेरा मतलब है, युवती बिना सकपकाए बोली, आप ही मिस्टर सुनील हैं? जी हाँ, मेरा नाम दीपा है। तशरीफ रखिए दीपा जी। युवती एक कुर्सी पर बैठ गई। फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? खिदमत मैं आपकी करना चाहती हूँ, आपकी, आपके अखबार की। अच्छा जी हाँ, मैं आपसे एक उपन्यास के बारे में बात करना चाहती हूँ। उपन्यास के बारे में? शायद आप भूल रही हैं कि यह एक अखबार का दफ्तर है, यहाँ खबरों का धंधा होता है, उपन्यासों का नहीं। उपन्यासों का भी होता है। मैंने ब्लास्ट के रविवार सरीय संस्करण में धारावाहिक रूप में उपन्यास छपते देखे हैं। ओह, तो आप उपन्यास छपवाना चाहती हैं? मैं आपको एक उपन्यास बेचना चाहती हूँ। आप छापते हैं या नहीं छापते, यह आपकी मर्जी है। जब खरीदेंगे तो छापेंगे भी। करेक्ट। लेकिन दीपा जी, ब्लास्ट एक ऊंचे दर्जे का अखबार है। ब्लास्ट के रविवार सरीय संस्करण में कभी जो उपन्यास छपता है, वह किसी ऐरे गहरे व्यक्ति का नहीं, किसी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त लेखक का होता है। कोई ऐसा उपन्यास होता है जिसे कई पुरस्कार प्राप्त हो चुके हों और जो देश विदेश में सम्मानित हो चुका हो। आई अंडरस्टैंड, इतनी अक्ल है मुझ में। तो फिर आप यह कैसे उम्मीद करती हैं कि हम आपका लिखा उपन्यास ब्लास्ट में? ओ माय गॉड, मैंने यह कब कहा कि वह उपन्यास मैंने लिखा है? तो फिर मेरे पास एक उपन्यास है, किसी और का लिखा हुआ, जो मैं 50,000 रुपये में आपको बेचना चाहती हूँ। सुनील यूं हंसा जैसे उसने भारी मजाक की बात सुन ली हो। उसने मेज से लकी स्ट्राइक का पैकेट उठाया और एक सिगरेट सुलगा लिया। आपने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया मालूम होता, दीपा शिकायत भरे स्वर में बोली। आप उपन्यास साथ लाई हैं? सुनील ने पूछा। नहीं, इतनी कीमती चीज मैं साथ साथ लिए नहीं फिर सकती। आपने उसकी कीमत खुद ही आंक ली? शायद और लोगों की निगाह में वह इतना कीमती ना हो। और लोगों की निगाह में भी वह इतना ही कीमती है, शायद और भी ज़्यादा कीमती, कहीं ज़्यादा कीमती। लेकिन मैं ज़्यादा लालच में नहीं पड़ना चाहती, इसलिए 50,000 रुपये मांग रही हूँ। आप यहाँ कैसे पहुँच गई? क्या मतलब? मेरा मतलब है, आप ब्लास्ट में आने के स्थान पर किसी ऐसे प्रकाशक के पास क्यों नहीं गई जिसका धंधा ही उपन्यास छापना है? क्योंकि मुझे भय है कि कहीं और जाने से कहीं मेरे साथ धोखाधड़ी ना हो जाए, कोई मुझे ठग ना ले। जैसा कि आप समझती हैं कि यहाँ नहीं होगा। जी हाँ। क्यों? क्योंकि मैं आप पर भरोसा कर सकती हूँ। आप मुझ पर भरोसा कर सकती हैं? जी हाँ। कमाल है, बड़ी चौंकाने वाली बातें कह रही हैं आप। दीपा चुप रही। आप जिंदगी में पहली बार मुझसे मिल रही हैं, लेकिन फिर भी समझती हैं कि आप मुझ पर भरोसा कर सकती हैं। मैं आपसे मिली पहली बार हूँ, लेकिन आपके बारे में चर्चे बहुत सुन चुकी हूँ। अच्छा, किससे? अपने हम पेशा लोगों से। आई सी, क्या करती हैं आप? यह मैं आपको नहीं बताना चाहती। उपन्यास लिखती हैं? नहीं, जिंदगी में कभी ठीक से चिट्ठी नहीं लिख पाई, उपन्यास क्या लिखूंगी? लेकिन आपके पास एक उपन्यास है जिसे आप 50,000 रुपये में बेचना चाहती हैं। जी हाँ। मौलिक, अप्रकाशित? जी हाँ, उसकी मूल पांडुलिपि ओरिजिनल स्क्रिप्ट मेरे पास है। आप मेरे पास क्यों आई? अखबार के संपादक के पास क्यों नहीं गई?
क्योंकि मुझे नहीं मालूम आपका संपादक कैसा आदमी है, आप कैसे आदमी हैं, यह मुझे मालूम है। मैं एक बड़े फ़ायदे का सौदा लेकर आपके पास आई हूँ। अगर आपको मेरी बात जच जाएगी तो मुझे उम्मीद है कि अखबार के संपादक को जो कुछ कहना होगा वह आप खुद कह लेंगे। यह फैसला आपने खुद ही कर लिया कि आप एक फ़ायदे का सौदा लेकर मेरे पास आई हैं? जी हाँ, दीपा दृढ़ स्वर में बोली। सुनील ने उलझनपूर्ण नेत्रों से युवती की तरफ देखा। उपन्यास का लेखक कौन है, अंत में उसने प्रश्न किया। शशांक भट्टाचार्य, दीपा ने तोप का गोला सा छोड़ा। क्या? सुनील बुरी तरह चौंका। जी हाँ, उस उपन्यास का लेखक शशांक भट्टाचार्य है, दीपा सहज भाव में बोली। और आपके पास उसके अप्रकाशित उपन्यास की स्क्रिप्ट है? जी हाँ। आप समझ बूझ तो रही हैं कि आप क्या कह रही हैं? मैं खूब समझ बूझ रही हूँ कि मैं क्या कह रही हूँ। आप जानती हैं कि शशांक भट्टाचार्य मर चुका है? जानती हूँ। इतने बड़े लेखक के किसी अप्रकाशित उपन्यास का अगर कोई अस्तित्व होता तो क्या अब तक वह सामने ना आ चुका होता? मुझे नहीं मालूम क्या होता, मुझे केवल इतना मालूम है कि मेरे पास शशांक भट्टाचार्य के उपन्यास जिंदगी और मौत की अप्रकाशित पांडुलिपि है, जो आपको 50,000 रुपये में हासिल हो सकती है। लेकिन यह असंभव है, दीपा केवल मुस्कुराई। हम कैसे मान लें कि ऐसी कोई स्क्रिप्ट आपके पास है? आप हमें स्क्रिप्ट दिखाइए। पूरी स्क्रिप्ट दिखाना मैं ज़रूरी नहीं समझती, लेकिन मुझे मालूम था कि मेरी बात पर अविश्वास किया जाएगा, इसलिए मैं स्क्रिप्ट का एक पहला पृष्ठ अपने साथ लाई हूँ, वह मैं आपको दिखाती हूँ। उसने अपना हैंडबैग खोला और उसमें से एक गुलाबी रंग का तह किया हुआ कागज निकाला। उसने कागज को खोलकर सीधा किया और उसे सुनील के सामने रख दिया। सुनील ने देखा, वह टाइप किया हुआ फुल स्केप कागज था। ऊपर लाल रंग से अंडरलाइन किया हुआ उपन्यास का नाम लिखा था और उसके नीचे लिखा था चैप्टर एक। पृष्ठ के ऊपर के दाएं कोने में लिखा था पृष्ठ एक। उपन्यास के नाम की बगल में शशांक भट्टाचार्य का नाम लिखा था। वह पृष्ठ साफ सुथरा टाइप किया हुआ नहीं था, उसमें कई जगह पेंसिल से काट पीट की गई थी। कहीं कुछ वाक्य काटे गए थे, कहीं हाशिए पर कुछ वाक्य बढ़ाए गए थे। सुनील ने बड़े सब्र के साथ वह कागज पढ़ा। उसने शशांक भट्टाचार्य की रचनाएं पढ़ी थी। उस एक पृष्ठ में भी उसे उस महान लेखक की अछूती शैली की झलक साफ दिखाई दी। और फिर वही ऐसा खपती आदमी था जो अपनी रचनाएं केवल गुलाबी रंग के फुल स्केप कागज पर टाइप करके लिखता था। शशांक भट्टाचार्य निश्चय ही बहुत बड़ा लेखक था। अपने जीवन काल में साहित्य अकादमी और भारतीय ज्ञानपीठ के सम्मानजनक अवार्ड्स के अलावा भी वह 20 अवार्ड हासिल कर चुका था। कई नागरिक गोष्ठियों द्वारा वह देश विदेश में सम्मानित हो चुका था। स्वयं भारत सरकार ने उसे पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया था और रविंद्रनाथ टैगोर के बाद से वह अकेला भारतीय था जिसका नाम साहित्य के नोबल प्राइज़ के लिए अनुमोदित किया गया था। संसार की तमाम प्रमुख भाषाओं में उसकी रचनाओं के अनुवाद छप चुके थे और उसके उपन्यासों पर बड़ी सफल फिल्में बन चुकी थी। शशांक भट्टाचार्य की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वह भारत का इकलौता साहित्य लेखक था जिसे साहित्यिक अभिरुचि रखने वाले चंद लोगों ने ही नहीं बल्कि जन साधारण ने भी सराहा था। भारत का हर भाषा भाषी पाठक चाहे मुख्यतः वह केवल घटिया जासूसी उपन्यास पढ़ता था या ओछे और छिछले रोमांस की घटिया सामाजिक कथाएं, शशांक भट्टाचार्य का पाठक था, प्रशंसक था। यही वजह थी कि जबकि अन्य साहित्यकारों की रचनाएं आम जनता में लोकप्रिय न होकर 2-3 हज़ार प्रतियों की सेल से ऊपर नहीं उठ पाती थी, वहां शशांक भट्टाचार्य के एक उपन्यास का पहला ही संस्करण 5 लाख प्रतियों का होता था। यह एक ऐसा कीर्तिमान था जिस तक पहुंचना किसी भी प्रकार के साहित्यिक या कारोबारी लेखक के बस की बात नहीं थी। सुनील को एक बार शशांक भट्टाचार्य से मिलने का अवसर प्राप्त हो चुका था जब उसको पद्म भूषण मिला था, जो उसके एक प्रकाशक ने शाहजहां होटल में उसके सम्मान में एक बहुत बड़े समारोह का आयोजन किया था। एक प्रेस प्रतिनिधि के रूप में सुनील भी वहां गया था और उसने शशांक भट्टाचार्य का एक संक्षिप्त सा इंटरव्यू भी लिया था। लेखक वह कितना ही ऊंचा क्यों नहीं था, लेकिन एक इंसान के रूप में शशांक भट्टाचार्य सुनील को एक बड़ा ही ओछा, घटिया और चरित्रहीन व्यक्ति लगा था। अपनी उस बुढ़ापे की आयु में भी
खूबसूरत लड़कियों को देखकर पूरी बेशर्मी से लार टपकाने लगता था, बेतहाशा शराब पीता था और फिर नशे में शालीनता को ताक पर रखकर आए गए की परवाह किए बिना बहुत ही गंदी गाली गलौज भरी भाषा बोलता था। उसको उस रंग में देखकर कोई अनजान आदमी तो कभी ना मानता कि वह इतना बड़ा लेखक था कि उसकी किताबें कोर्स में पढ़ाई जाती थी और कभी उसका नाम साहित्य के नोबेल प्राइज़ के लिए लिया गया था। बचाते खुद शशांक भट्टाचार्य चाहे कैसा ही जलील आदमी था, लेकिन वह लेखक बहुत बढ़िया था। इस बारे में सारे संसार में कहीं दो राय नहीं हो सकती थी। देश विदेश के बड़े विद्वान आलोचकों ने उसे निसंकोच जॉन स्टेनबेक और अर्नेस्ट हेमिंग्वे की टक्कर का लेखक माना था और उस वक्त सुनील के सामने बैठी लड़की शशांक भट्टाचार्य जैसे करामाती लेखक की अप्रकाशित स्क्रिप्ट की स्वामिनी होने का दावा कर रही थी। सुनील कितनी देर कभी अपने हाथ में थमे गुलाबी पृष्ठ को और कभी दीपा के निर्विकार चेहरे को देखता रहा। यह स्क्रिप्ट का पहला पृष्ठ है, अंत में वह बोला, बाकी के पृष्ठ भी आपके पास हैं? जाहिर है, दीपा बोली। यह एक पृष्ठ तो मैं नमूने के तौर पर आपको दिखाने के लिए लाई हूँ। पूरी स्क्रिप्ट 350 पृष्ठों की है, बाकी के 274 पृष्ठ भी मेरे अधिकार में हैं। आपके पास यह स्क्रिप्ट कहाँ से आई? कहीं से भी आई हो, आपको क्या? आपको आम खाने से मतलब होना चाहिए, ना कि पेड़ गिनने से। लेकिन देखो, मेरे पास शशांक भट्टाचार्य का एक अप्रकाशित उपन्यास है जो मैं 50,000 रुपये में आपके अखबार को बेचना चाहती हूँ। आपने यह फैसला करना है कि आप यह उपन्यास इस कीमत पर खरीदना चाहते हैं या नहीं। बस इतनी सी बात है। आप लंबे चौड़े पचड़ों में क्यों पढ़ते हैं? वह स्क्रिप्ट आपका माल है? क्या मतलब? मेरा मतलब है, आप उसे कहीं से चुरा कर तो नहीं लाई? किससे चुरा कर लाई होंगी मैं? मृत लेखक से? मेरा मतलब है, अगर यह स्क्रिप्ट मैंने कहीं से चुराई होती तो अभी तक इसका कथित मालिक कोहराम न खड़ा कर देता। सुनील चुप रहा। वैसे इसके चोरी होने की संभावना पर विचार करके परोक्ष रूप से आप यह स्वीकार कर रहे हैं कि यह असली माल है? यह आपका माल है? सरासर, मैं इसे बेच रही हूँ इसलिए यह मेरा माल है। जब आप इसे खरीद लेंगे तो यह आपका माल हो जाएगा। आप हमें यह लिखित गारंटी दे सकती हैं कि इस स्क्रिप्ट की मालकिन आप हैं और यह शशांक भट्टाचार्य की लिखित असली अप्रकाशित स्क्रिप्ट है? मुझे कोई एतराज नहीं, सुनील सोचने लगा। और जो फैसला करना है जल्दी कीजिए, मैं इस सिलसिले को ज़्यादा लटकाना नहीं चाहती। यह स्क्रिप्ट टाइप की गई है, संभव है इसकी और भी प्रतियां हों जो और लोगों के पास हों। मेरे पास इस स्क्रिप्ट की इकलौती प्रति है। इस संसार में जिंदगी और मौत की कोई दूसरी प्रति उपलब्ध नहीं। सुनील फिर सोच में पड़ गया। मिस्टर सुनील? सुनील एकाएक अपने स्थान से उठा और बोला, आइए। कहाँ? दीपा तनिक हड़बड़ाई। मेरे साथ। लेकिन कहाँ? मलिक साहब के पास। वे कौन हैं? ब्लास्ट के मालिक और चीफ एडिटर। मैं उनके पास जाकर क्या करूँगी? इस स्क्रिप्ट के बारे में बात मैंने जो बात करनी थी आपसे कर दी। मैं आपके अलावा किसी से बात नहीं करना चाहती। आगे जिससे जो बात करनी है आप खुद कीजिए और नतीजा मुझे बता दीजिए। जवाब हाँ में हो तो बड़ी खुशी की बात है, ना में हो तो मैं कहीं और जाऊँ। लेकिन कहीं और तो आप जाना नहीं चाहती? आपको तो किसी पर भरोसा नहीं? मजबूरन तो जाना ही पड़ेगा। अच्छी बात है, आप यहाँ बैठिए, मैं अभी आता हूँ। जल्दी आना। ज़रूर। सुनील केबिन से बाहर निकला। गलियारे में एक स्टूल पर बैठे चपरासी को उसने, भीतर जो मेम साहब है उन्हें एक कप कॉफ़ी देकर आओ, कहा और स्वयं मलिक साहब के विशाल ऑफिस में पहुँचा। उसने मलिक साहब के सामने गुलाबी पृष्ठ रखा और सारी कहानी सुनाई। मलिक साहब के नेत्र फैल गए। वह लड़की कहाँ है? उन्होंने पूछा। मेरे केबिन में बैठी है, सुनील बोला। उसे बुलाओ। वह नहीं आना चाहती। क्यों? मलिक साहब की भ्रुकुटी तन गई। सुनील ने वजह बताई। मलिक साहब कस मसाए और चुप हो गए। कुछ क्षण वे उंगलियों से मेज ठकठकाते रहे और फिर बोले, शशांक भट्टाचार्य अपनी रचनाएं सीधे टाइप करता था, लेकिन उसकी गलतियां वगैरह पेंसिल से सुधारता था और स्क्रिप्ट को बिना दोबारा टाइप करवाए वैसे ही छपने को भेज देता था। 3-4 साल पहले हमारे पेपर में उसकी एक कहानी छपी थी। उसकी मूल पांडुलिपि अभी भी हमारे पास होगी।
तुम मोर में चले जाओ और वह पांडुलिपि निकलवा कर लाओ। उससे इस पृष्ठ को मिलाकर देखने में हमें मालूम हो जाएगा कि यह पृष्ठ असली पांडुलिपि का है या कोई फ्रॉड है। सुनील ने सहमति में सिर हिलाया। वह वहां से निकला और मोर्ग में पहुंचा। वहां से उसने शशांक भट्टाचार्य की कहानी की स्क्रिप्ट निकलवाई और वापस मलिक साहब के ऑफिस में पहुंचा। मलिक साहब गुलाबी पृष्ठ के हाशिए पर लिखे शब्दों को कहानी की स्क्रिप्ट में भी इसी प्रकार लिखे शब्दों से मिलाने लगे। सुनील, अंत में वे निर्णयात्मक स्वर में बोले, मैं कोई हैंडराइटिंग एक्सपर्ट तो नहीं, लेकिन फिर भी दावे के साथ कह सकता हूँ कि यह एक गुलाबी पृष्ठ जो वह लड़की लाई है जाली नहीं है। यह निश्चय ही शशांक भट्टाचार्य की स्क्रिप्ट का ही एक पृष्ठ है। शायद किसी पुराने प्रकाशित हो चुकी स्क्रिप्ट का पृष्ठ हो, सुनील ने शंका प्रकट की। नहीं, शशांक भट्टाचार्य का जिंदगी और मौत नामक कोई उपन्यास नहीं छपा, और फिर मैंने उसकी छोटी बड़ी तमाम रचनाएं पढ़ी हैं। उस गुलाबी पृष्ठ पर लिखा मैटर मैंने कभी नहीं पढ़ा। तो फिर उससे बात करो, अगर उसके पास वाकई उपन्यास की पूरी स्क्रिप्ट है और वह उसे कहीं से चुरा कर नहीं लाई, तो हम उसकी कीमत पर सहर्ष यह स्क्रिप्ट खरीदने को तैयार हैं। बरखुरदार, तुम यह समझो कि 50,000 रुपये में यह स्क्रिप्ट हमें कौड़ियों के मोल मिल रही है। मैं उससे बात करता हूँ, सुनील उठता हुआ बोला। वह वापस अपने केबिन में आया। केबिन खाली था। मेज पर कॉफ़ी का अंच हुआ कप पड़ा था। सुनील बाहर निकला। अभी मेरे केबिन में जो लड़की बैठी थी वह कहाँ गई? सुनील ने चपरासी से पूछा। वह तो चली गई साहब, चपरासी बोला। अबे, चली तो गई, लेकिन कहाँ चली गई? मुझे क्या मालूम साहब, चपरासी बड़ी मासूमियत से बोला। ऑफिस से ही चली गई है या कहीं क्लॉक रूम वगैरह में गई है? मुझे क्या मालूम साहब। सुनील ने लपक कर गलियारा पार किया और रिसेप्शन पर पहुंचा। रेनू, सुनील ने ब्लास के रिसेप्शनिस्ट कम टेलीफोन ऑपरेटर से पूछा, अभी यहाँ से तुमने एक लड़की को गुजरते देखा था? किसी लड़की को तो गुजरते नहीं देखा था, रेनू बड़ी मासूमियत से बोली। हाँ, एक फुलझड़ी ज़रूर देखी थी जो, मजाक मत करो, सुनील झल्ला कर बोला। तुम उस लड़की के बारे में पूछ रहे हो जो थोड़ी देर पहले तुमसे मिलने आई थी? हाँ हाँ, वही। वह तो कब की चली गई? ओह, क्या बात है, घर का पता नहीं बता गई, इसलिए ठंडी सांसें भर रहे हो? आधी बात ठीक है, आधी गलत। यह ठीक है कि वह घर का पता नहीं बता गई, लेकिन मैं ठंडी सांसें नहीं भर रहा। कौन थी वह? मालूम नहीं, मैं जानता नहीं उसे। कमाल है, जिससे मिलकर चेहरे पर इतनी रौनक आ गई है उसे जानते नहीं हो? चेहरे पर रौनक उस लड़की की वजह से नहीं आई है? तो फिर कैसे आई है? इतने निखार की वजह क्या है? क्योंकि, सुनील महीन आवाज में बोला, मैं चित्र तारिकाओं का सौंदर्य साबुन लक्स टॉयलेट इस्तेमाल करता हूँ। इससे चेहरे पर नया निखार आता है और मन में ताजगी भरती है। बस यही वजह है? एक वजह और भी है। क्या? पिछले दिनों मेरी प्यारी फिल्म अभिनेत्री प्याला सिन्हा यहाँ आई थी। उसने मेरे चेहरे पर इतने चुंबन अंकित किए कि चेहरे की रंगत बदल गई। चेहरा बिल्लियाँ चाट गई होंगी? नहीं, प्याला सिन्हा। और क्या कहती थी प्याला सिन्हा? कहती थी शादी कर लो। तो कर लेते? इरादा तो था, लेकिन यह सोचकर नहीं की कि तुम्हारा क्या होगा। मेरी फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे बिना जिंदा रहने की आदत डाल लूँगी। पिछले महीने मेरा कुत्ता मर गया था, मैं उसके बिना भी तो जिंदा रह रही हूँ। कुत्ते और पति में बहुत फ़र्क होता है। जिंदगी में कुत्ते तो आते जाते रहते हैं, लेकिन पति कभी कभार आता है। कुत्ते के बिना जिंदा रहना आसान है, लेकिन पति के बिना जिंदा रहना बहुत मुश्किल है। मैं मुश्किल बर्दाश्त कर लूँगी। मैं तुम्हारे फिराक में रो रो कर जान दे दूँगी, लेकिन तुम शादी ज़रूर कर लो। देर करोगे तो प्याला सिन्हा इतनी बूढ़ी हो चुकी होगी कि वह तुम्हारी बीवी की जगह तुम्हारी अम्मा मालूम होगी। उसने मुझे यह ऑफ़र भी दी थी। कौन सी? मेरी अम्मा बनने की। वह कहती थी कि अगर शादी करना मुमकिन नहीं होगा तो वह मुझे गोद ले लेगी। यह ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे भी बीवी मिलनी आसान होती है, माँ मिलनी मुश्किल होती है। अगर प्याला सिन्हा मुझे गोद ले ले तो तुम शादी कर लोगी? किससे? प्याला सिन्हा से? नहीं, मुझसे नहीं। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी सास कोई कल के खाने जैसी बेमजा फिल्म अभिनेत्री हो। तुम्हें कैसी सास पसंद है? तुम मुझे अपनी पसंद बताओ। मैं कोई वैसी ही औरत तलाश करके उससे प्रार्थना करूँगा कि वह गोद ले ले।
वैसे तुम्हें मालूम है ना कि इस वक्त तुम सरासर बेमानी बकवास कर रहे हो। मालूम है, मैं तो बकवास का जवाब बकवास से देने की कोशिश कर रहा था। तुम कहती हो तो चुप हो जाता हूँ। मैं कहती हूँ क्या? चुप हो जाओ। यह लो, तुम तो अभी भी बोल रहे हो। कहाँ बोल रहा हूँ, एकदम चुप तो हूँ। कहाँ चुप हो? पहले तुमने कहा यह लो, फिर कहा कहाँ बोल रहा हूँ, एकदम चुप तो हूँ। सुनील ने दोबारा बोलने के लिए मुंह खोला और फिर यूं भोंट भींच लिए जैसे किसी डिब्बे का ढक्कन बंद किया हो। रेनू के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट नाच गई। देखा, वह बोली, थोबड़ा बंद रखने से सूरत में कितना फर्क आ जाता है। एकदम संजीव कुमार लग रहे हो। पिछले हफ्ते तो तुमने कहा था कि मैं राजेश खन्ना लगता हूँ। वह पिछले हफ्ते की बात थी, तब तक प्यारा सिन्हा ने तुम्हारा मुंह नहीं चाटा था। आई सी, लगता है कि राजेश खन्ना की शादी हो जाने की वजह से अब तुम्हें मुझमें संजीव कुमार का साया दिखाई देने लगा है। क्या हर्ज है इसमें? कई बार जब मेल ट्रेन नहीं आती तो पैसेंजर ट्रेन में सफ़र करना ही पड़ता है। यानी कि संजीव कुमार पैसेंजर ट्रेन है? नहीं, तुम पैसेंजर ट्रेन हो। बड़ी कद्र की मेम साहब। और मेरा काम क्या है, अब मैं जाऊं? नहीं, जल्दी क्या है, अभी बैठो, खाना वाना खा कर जाना। नहीं शुक्रिया, फिर कभी। सुनील ने अपनी केबिन की तरफ कदम बढ़ाया। सुनो। बोलो। सुनील ने सिर ठिठक कर बोला, अपना वादा कब पूरा कर रहे हो? कौन सा वादा? 100 रुपये वाला डिनर खिलाने का, 1 तारीख को पगार मिलने पर। शर्म करो, अभी तो पिछली गुजरे ही सिर्फ 1 हफ्ता हुआ है। 1 हफ्ता थोड़ा होता है? और फिर राजनगर में तुम्ही तो इकलौती लड़की नहीं हो जिससे मैंने 100 रुपये वाले डिनर का वादा किया हुआ है। यानी कि कई हैं? हाँ, कितनी होंगी? दर्जन दो दर्जन। खोपड़ी पर जितने बाल हैं सब साफ हो जाएंगे। जल रही हो? जलती है मेरी जूती। सुनील हंसा, आज भी किसी को डिनर पर ले जा रहे हो? हाँ। कौन है वो, नाम बताओ उस खस्मा खानी का। तुम क्यों जानना चाहती हो? मैं उसे फ़ोन करके तुम्हारे साथ उसकी आज की अपॉइंटमेंट कैंसिल करती हूँ ताकि तुम मेरे साथ चल सको। हाँ, वह नहीं मानेगी। मैं जहाँ जाऊँगा वह पीछे पीछे वहीं पहुँच जाएगी। तू जहाँ जहाँ रहेगा मेरा साया साथ होगा, गाती हुई। आने दो उसे, मैं उसकी वो खबर लूँगी कि याद करेगी। तुम मुझे उसका नाम वाम बताओ। अरे जाने दो, मैं खुद उसे मना कर दूँगा। पक्की बात? एकदम पक्की बात। खाओ प्याला सिन्हा की कसम। प्याला सिन्हा की कसम। थैंक यू। कितने बजे चलोगे ताकि मैं तैयार रहूं? अभी क्या तैयार नहीं हो? बात का मतलब समझा करो, 100 रुपये वाले डिनर पर जाने के लिए खास तरह की तैयारी करनी पड़ती है। ओके, जैसा तुम ठीक समझो। 7 बजे मुझे अपने घर के सामने के फुटपाथ पर एकदम तैयार खड़ी मिलना। ठीक है। सुनील गलियारे में आगे बढ़ा और वापस अपने केबिन में आ गया। वह अपनी कुर्सी पर आ बैठा। उसने चपरासी को बुलाया और उसे कॉफ़ी का कप उठाकर ले जाने के लिए कहा। चपरासी ने कप उठाया तो उसके नीचे से एक तह किया हुआ कागज प्रकट हुआ। सुनील ने झपट कर कागज उठाया और उसे खोला। लिखा था, मिस्टर सुनील, मैं और अधिक इंतज़ार नहीं कर सकती इसलिए जा रही हूँ, आप इत्मीनान से फैसला कर लीजिए। आपका फैसला जानने के लिए मैं आज रात या कल सुबह आपसे संपर्क स्थापित करूँगी, दीपा। सुनील ने उस कागज को फिर से मोड़कर अपनी मेज के दराज में डाल दिया। लड़की यूँ एकाएक वहाँ से फूट गई थी। वह उसका पता वगैरह कुछ भी नहीं जान सका था, इसका उसे अफसोस था, लेकिन साथ ही स्क्रिप्ट का एक पृष्ठ भी छोड़ गई थी जिसकी वजह से उसे विश्वास था कि वापस जरूर आएगी। तभी चपरासी ने आकर बताया कि उसे मलिक साहब बुला रहे थे। सुनील उठा और मलिक के ऑफिस में पहुँचा। क्या हुआ, मलिक साहब ने पूछा। क्या कहती है वह लड़की? वह लड़की तो मेरे कैबिन में लौटने से पहले ही चली गई थी, सुनील ने बताया, लेकिन पीछे संदेशा छोड़ गई है कि आज रात या कल सुबह संपर्क स्थापित करेगी। और अगर हमें सौदा मंजूर होगा तो वह 50,000 रुपये के बदले में बाकी की स्क्रिप्ट हमें दे देगी जिसकी इकलौती कॉपी उसके पास है। जी हाँ, यह एक चिट्ठी। मलिक साहब अपने सामने पड़ी एक चिट्ठी सुनील की तरफ सरकाते हुए बोले, अभी अभी एक आदमी देकर गया है, बड़ी दिलचस्प चिट्ठी है, जरा पढ़ लो। सुनील ने चिट्ठी उठा ली। वह शांति स्वरूप कोहली नामक
किसी वकील के लेटर हेड पर टाइप की हुई चिट्ठी थी। वकील साहब के पते के स्थान पर एम्बेसडर होटल का नाम लिखा हुआ था। चिट्ठी में लिखा था, प्रिय महोदय, मैं विश्वविख्यात लेखक शशांक भट्टाचार्य के वारिसों का प्रतिनिधि हूँ। सूचनार्थ निवेदन है कि अपने जीवन काल में शशांक भट्टाचार्य ने एक जिंदगी और मौत नामक उपन्यास लिखा था, जो आज तक अप्रकाशित है और जो इस वक्त मेरे क्लाइंटों की रजामंदी से मेरे अधिकार में है। मैं चाहता हूँ कि वह उपन्यास पुस्तकाकार में प्रकाशित होने से पहले धारावाहिक रूप से देश के किसी प्रतिष्ठित पत्र में छपे। कहने की जरूरत नहीं कि इतने महान लेखक की अंतिम दुर्लभ रचना को प्रकाशित करना देश के किसी भी प्रकाशन के लिए भारी गौरव और प्रतिष्ठा का विषय हो सकता है। मैं आपके पत्र की ख्याति से पूर्णता परिचित हूँ, इसलिए मैं इस प्रतिष्ठा और गौरव का हकदार आपके पत्र ब्लास्ट को बनाना चाहता हूँ। यदि आपको इस दुर्लभ रचना को अपने पत्र में धारावाहिक रूप से प्रकाशित करना स्वीकार हो तो कल दोपहर तक मेरे ऑफिस में स्वयं आकर या अपना कोई प्रतिनिधि भेजकर व्यापारिक शर्तें तय कर लें। स्मरण रहे कि यदि कल दोपहर तक हमें आपका उत्तर प्राप्त न हुआ तो मजबूरन हमें इस विषय में अन्यत्र वार्तालाप चलना होगा। शुभाकांक्षी शांति स्वरूप कोहली। कमाल है, सुनील के मुंह से निकला। उसने पत्र परे सरका दिया। है ना, मलिक साहब बोले, अभी आधा घंटा पहले तक शशांक भट्टाचार्य के किसी अप्रकाशित उपन्यास का अस्तित्व तक नहीं था और अब एक नहीं दो दो पार्टियां हमें उपन्यास के प्रकाशन की ऑफर दे रही हैं। और वही लड़की कहती थी, सुनील के मुंह से निकला, कि उसके पास उस उपन्यास के सारे संसार में उपलब्ध इकलौती प्रति है। मुझे तो किसी बहुत तगड़े षड्यंत्र की बुआ रही है। लेकिन आप यह तो मानते हैं कि वह लड़की जो गुलाबी पृष्ठ लाई थी वह शशांक भट्टाचार्य की ही अप्रकाशित रचना की शुरुआत थी। मानता हूँ, लेकिन फिर भी कोई गड़बड़ जरूर है। अगर शशांक भट्टाचार्य ने अपने जीवन काल में कोई नया उपन्यास पूरा किया था तो आज तक यह तथ्य छुपा कैसे रहा? छुपा रहा तो उस उपन्यास की स्क्रिप्ट उस लड़की के पास कैसे पहुँच गई? और अब यह वकील भी कैसे दावा कर रहा है कि वही स्क्रिप्ट उसके पास भी है? और सबसे बड़ी बात यह है कि उसके प्रकाशन के मामले में ब्लास्ट पर ऐसी मेहरबानी क्यों? उसूलन तो उन्हें किसी ऐसे प्रकाशक के पास जाना चाहिए, उपन्यास प्रकाशित करना जिसका धंधा हो। वैसे आपके ख्याल में यह संभव था कि मरने से पहले शशांक भट्टाचार्य ने कोई उपन्यास लिखा हो? संभव तो था। उसकी आखिरी रचना उसकी मौत से 6 साल पहले छपी थी। उसके पास से प्रत्यक्षता उसने कुछ नहीं लिखा था, लेकिन गाहे बगाहे किसी इंटरव्यू के माध्यम से या उस पर लिखे गए किसी लेख के माध्यम से उसका यह वक्तव्य सामने आता ही रहता था कि वह बड़े जोरों शोरों से अपना नया उपन्यास लिखने की तैयारी कर रहा था। लेकिन अपने जिंदगी के आखिरी दिन उसने इतनी उच्छिन्नता से गुजारे थे, शराब और शबाब में इस हद तक गर्क होकर गुजारे थे कि उसकी मौत के बाद जब उसके सामान में से कोई नई स्क्रिप्ट बरामद नहीं हुई थी तो किसी को कोई हैरानी नहीं हुई थी। जिस खस्ता हालत में और जिस विकृत मानसिक स्थिति में वह आखिरी दिनों में था उसको ध्यान में रखते हुए यह सोच पाना कठिन है कि उसने उस हालात में किसी उपन्यास की रचना की होगी। तुम जानते ही होंगे कि वह मरा भी इसी चक्कर में था। बैठा हुआ अपनी राइफल साफ कर रहा था कि अनजाने में गोली चल गई थी और उसका भेजा उड़ गया था। बाद में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से मालूम हुआ था कि मरते समय वह बुरी तरह नशे में धुत था, इसलिए राइफल साफ करते समय उसे यह तक देखना याद नहीं रहा था कि कहीं राइफल भरी हुई तो नहीं थी। सुनील चुप रहा। बरखुरदार, मलिक साहब बोले, मालूम करने की कोशिश करो कि क्या किस्सा है। अगर शशांक भट्टाचार्य की किसी अप्रकाशित स्क्रिप्ट का कोई अस्तित्व है तो वह हमारे हाथ से निकलनी नहीं चाहिए, चाहे वह हमें उस लड़की से मिले या इस वकील से। मैं कोशिश करता हूँ सारा किस्सा समझने की, सुनील बोला। सुनील वापस अपने केबिन में आ गया। वहाँ से उसने एम्बेसडर होटल में शांति स्वरूप कोहली को फ़ोन किया। मालूम हुआ कि होटल के एक कमरे में उसका ऑफिस था, लेकिन वह उस समय वहाँ मौजूद नहीं था। ना ही यह मालूम हो सका कि उस वक्त उससे कहाँ संपर्क स्थापित किया जा सकता था। सुनील ने रिसीवर रख दिया। सुनील रेनू के साथ अकबर होटल के शानदार रेस्टोरेंट मुमताज में पहुँचा।
वहाँ उसने डिनर के लिए टेबल पहले ही बुक करवा ली थी। हेड वेटर उन्हें उनकी टेबल पर छोड़ गया। रेनू बहुत सजकर आई थी और निहायत खूबसूरत लग रही थी। तुमने तो अपना काया पलट ठीक कर डाला है, सुनील मंत्रमुग्ध स्वर में बोला। क्या मतलब, रेनू बोली। दफ्तर में तो तुम पुलिस का सिपाही बनकर आती हो, बड़ी रूखी बड़ी कठोर, और यहाँ कैसे लग रही हूँ, बड़ी मीठी बड़ी नर्म बड़ी कमसिन, एक ही बार में हजम करके डकार तक न लेने लायक चीज। रेनू ने जोर से उसके कंधे में चिकोटी काटी और तनिक शर्माई स्वर में बोली, तुम यहाँ डिनर खाने आए हो या मुझे? दोनों चीजें भी खा सकता हूँ, मेरा हाजमा बहुत बढ़िया है, रेनू ने उसे फिर चिकोटी काटी। या डिनर तुम खा लेना, सुनील बोला। और तुम? सुनील ने धीरे से अपनी बाईं आंख दबाई। रेनू ने एक जोर का घूंसा सुनील की पीठ पर रसीद किया। अरे रे, सुनील हड़बड़ाकर बोला, क्या कर रही हो, लोग देख रहे हैं। तो फिर ऊट पटांग मत बोलो, अच्छी अच्छी बातें करो। ओके, सुनील बोला। उसने अपना लकी स्ट्राइक का पैकेट निकाला और उसमें से एक सिगरेट झटक कर आधा बाहर निकाला और पैकेट रेनू की ओर बढ़ाता हुआ बोला, लो सिगरेट पियो। यह अच्छी बात की है तुमने, रेनू उसे घूरती हुई बोली। भाई, 100 रुपये मार्का डिनर के साथ यह सब चलता है, मुझे बहकाओ मत। ओके, सुनील बड़ी दयानतदारी से बोला। उसने सिगरेट अपने होठों में लगाया और उसे सुलगा लिया। वेटर उनके समीप पहुंचा। सुनील ने बहुत शानदार डिनर का ऑर्डर दिया जिसमें बहुत कीमती वाइन शैबलिस की आधी बोतल भी शामिल थी। यह शैबलिस क्या चीज़ है, रेनू ने पूछा। वाइन शराब, रेनू नाक चढ़ाकर बोली। रेनू की बच्ची, सुनील दांत पीसकर बोला, मैंने तुम्हारी खातिर इतनी कीमती चीज मंगाई है और तुम कहती हो शराब। वाइन का मतलब तो शराब ही होता है। नहीं होता, विस्की का मतलब शराब होता है। और वाइन का क्या मतलब होता है, गंगा जल? वाइन का मतलब होता है मदिरा, सोमरस, जो पुरातन काल में ऋषि मुनि और देवता पिया करते थे। और शैबलिस है एक खास किस्म के अंगूर से एक खास मौसम में फ्रांस के एक खास इलाके में एक खास तरीके से बनाई गई वाइन, खून की रंगत जैसी लाल। हाय राम, तुम मुझे खून पिलाओगे, सुनील ने उसके बाल पकड़कर जोर से खींचे। अरे अरे, क्या कर रहे हो, रेनू ने सिसकारी भरी। तुम्हारे दिमाग को जरा हरकत दे रहा हूँ, कहीं जाम हो गया मालूम होता है। अब लोग नहीं देख रहे, देखने दो, जहन्नुम में जाएं लोग। ओके, आई एम सॉरी, सुनील ने बाल छोड़ दिए। इतनी देर लगाकर मैंने बाल संवारे थे, रेनू तनिक रुआंसे स्वर में बोली, सब बिखरा दिए। बिखरे बालों में तुम ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो, सुनील बोला। सच? हाय, उस जुल्फ पशेमा का पेशमा होना, रेनू शर्माई। दो वेटर उन्हें डिनर सर्व करने लगे। एक वेटर ने शैबलिस की बोतल खोली और उसे दो वाइन के गिलासों में उड़ेला। उसने एक गिलास रेनू के आगे और दूसरा सुनील के आगे रख दिया। सुनील ने अपना गिलास उठाया और बोला, चीयर्स। चीयर्स, रेनू बोली। फिर उसने झिझकते हुए बोला, इससे नशा तो नहीं हो जाता? कुछ तो होता होगा, बस हल्की सी खुमारी आती है। कैसी खुमारी? जैसी किसी लड़की को तब आती है जब उसे पहली बार मालूम होता है कि वह जवान हो गई है। बस बस, जाने दो, बड़ी गंदी बातें करते हो तुम। ओके, रेनू ने वाइन का गिलास होठों से लगाया। अरे, वह हैरानी से बोली, यह तो मीठी है। और क्या कड़वी होती, सुनील बोला। अंगूर क्या कड़वे होते हैं, और वह भी खास जगह के खास मौसम के खास अंगूर। रेनू ने अपेक्षाकृत ज़्यादा इत्मीनान से वाइन की चुस्की ली। तभी सुनील की निगाह अपने से 4-5 मेजों परे बैठी एक अत्यंत सुंदर युवती पर पड़ी। उसके साथ एक भारी भरकम अधेड़ावस्था का सिर से आधा गंजा व्यक्ति बैठा हुआ था जिसके साथ वह बहुत हंस हंस कर बातें कर रही थी। रेणु उससे कुछ कह रही थी लेकिन सुनील का ध्यान उस ओर कतई नहीं था। अरे, सुन रहे हो मैं क्या कह रही हूँ, एकाएक रेनू तनिक ऊंचे स्वर में बोली। सुनील ने हड़बड़ाकर उसकी ओर देखा और बोला, सुन रहा हूँ। क्यों नहीं सुन रहा, क्या सुन रहे हो? जो कुछ तुम कह रही हो। क्या कह रही हूँ मैं? तुम कह रही थी कि मैं कुछ सुन रहा हूँ या नहीं। रेनू ने कहर भरी निगाहों से उसकी ओर देखा। ओ रेनू, सुनील हड़बड़ाकर बोला, दरअसल थोड़ी देर के लिए मेरा ध्यान भटक गया था। वह उस मोटे आदमी के साथ जो युवती बैठी है मुझे बहुत जानी पहचानी लगी थी। कौन सी, सुनील ने इशारा किया। अरे,
वह तो मशहूर फिल्म अभिनेत्री आरती बाला है, रेनू बोली। तुम्हारी जानी पहचानी कैसे हो गई वह? सुनील ने एक बार फिर गौर से उस युवती की तरफ देखा। तुम्हें पक्का पता है कि यह फिल्म अभिनेत्री आरती बाला है? सुनील ने पूछा। लो, इसमें पक्का पता होने वाली कौन सी बात है? मैंने इसकी कई फिल्में देखी हैं। तुम इसे कौन समझे थे? मीनाक्षी। मीनाक्षी कौन? एक लड़की थी जो 4-5 साल पहले यूथ क्लब में आया करती थी और तुम पर मरती थी, रेनू व्यंगपूर्ण स्वर में बोली। हाँ, बुरी तरह से। लेकिन यह मीनाक्षी नहीं है, यह फिल्म अभिनेत्री आरती बाला है। शायद मीनाक्षी ने फिल्मों में प्रवेश करने के बाद अपना नाम आरती बाला रख लिया हो। फिल्म स्टार्स ऐसा अक्सर करते होंगे। तुम झाड़ू मारो फिल्म स्टारों को और इस खस्मा खानी को। और इसके साथ यह आदमी कौन है? पता नहीं कौन है, कोई उसका यार होगा। वह कोई फिल्म अभिनेता नहीं? नहीं, अगर है तो कम से कम मैंने कभी नहीं देखा। सुनील चुपचाप भोजन करने लगा। भोजन के बाद वेटर उन्हें कॉफ़ी सर्व कर गया। तभी उसने आरती बाला को और उसके मोटे साथी को उठते देखा। सुनील ने व्याकुल भाव से रेनू की तरफ देखा। रेनू मद भरी निगाहों से उसे देख रही थी। शैबलीस से उसके गाल दहकते हुए लाल रंग के हो गए थे और आंखों में गुलाबी डोरे तैर गए थे। आरती बाला और उसका साथी रेस्टोरेंट से बाहर की ओर बढ़ रहे थे। मैं अभी आया, एकाएक सुनील अपने स्थान से उठता हुआ बोला। अरे, कहाँ जा रहे हो? रेनू तीव्र विरोधपूर्ण स्वर में बोली। मैं अभी आया, सुनील ने दोहराया और मेजों के बीच में से होता हुआ आगे बढ़ा। आरती बाला और उसका साथी तब तक रेस्टोरेंट से बाहर निकलकर निगाहों से ओझल हो चुके थे। सुनील लपक कर बाहर निकला तो उसने देखा कि वे होटल के मुख्य द्वार पर खड़े थे। तभी एक कार उनके सामने आकर रुकी। वे आगे बढ़े। आरती बाला, सुनील ने आवाज़ लगाई। कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। पता नहीं उसने आवाज़ नहीं सुनी या घूम कर देखना ज़रूरी नहीं समझा। दोनों कार की तरफ बढ़े। मीनाक्षी, सुनील ने उनकी ओर लपक कर फिर आवाज़ लगाई। सुनील को लगा जैसे वह कार में दाखिल होने से पहले एक क्षण के लिए ठिठकी हो, लेकिन फिर अगले ही क्षण वे दोनों कार के भीतर थे और कार यह जा तह जा। सुनील हाँफता हुआ मुख्य द्वार पर खड़ा रहा। डोरमैन विभिन्न भावों से उसकी तरफ देख रहा था। अभी अभी जो युवती कार पर गई है, सुनील ने डोरमैन से पूछा, वह आरती बाला थी ना? जी हाँ, डोरमैन आदरपूर्ण स्वर में बोला। तुम जानते हो उसके साथ वह मोटा सा आदमी कौन था? जी हाँ, जानता हूँ। उन साहब का नाम शांति स्वरूप कोहली है। वे मैडम के एजेंट हैं। एजेंट? जी हाँ, एजेंट, सेक्रेटरी, मैनेजर, कानूनी सलाहकार, कुछ भी कह लीजिए। ओह, सुनील के मुंह से निकला। वह वापस रेस्टोरेंट में आ गया। उसके बाद सुनील लगभग आधा घंटा और मुमताज में ठहरा। फिर वह लगभग 400 रुपये का बिल चुकाकर रेनू के साथ वहाँ से निकला। बाहर आकर एक टैक्सी पर सवार हुआ, रेनू को उसके घर छोड़ा और फिर उसी टैक्सी पर बैंक स्ट्रीट लौट आया। अपने फ्लैट में लौटकर उसने एम्बेसडर होटल फ़ोन किया। मालूम हुआ शांति स्वरूप कोहली वहाँ नहीं था। इसका मतलब यह था कि शायद वह अभी भी मीनाक्षी उर्फ आरती बाला के ही साथ था। उस वक्त मीनाक्षी के माध्यम से शांति स्वरूप कोहली तक पहुँचना उसे आसान लग रहा था और वह कोहली से संपर्क स्थापित करने के मामले में कल का इंतज़ार नहीं करना चाहता था। उसने बारी बारी नगर के तमाम बड़े होटलों में फ़ोन किया और पूछा कि क्या फिल्म अभिनेत्री आरती बाला वहाँ ठहरी हुई थी। हर जगह से नकारात्मक उत्तर मिला। तभी कॉल बेल बजी। कौन है? सुनील ने उच्च स्वर में पूछा। मैं, एक महीन सा स्त्री स्वर सुनाई दिया। मीनाक्षी? क्या वह मीनाक्षी हो सकती थी? हाँ, क्यों नहीं हो सकती थी। जैसे उसने मीनाक्षी को मुमताज में देखा था वैसे संभव है उसने भी उसे उससे भी पहले देखा हो। 5 साल पहले वह सुनील की जितनी दीवानी रही थी उसको ध्यान में रखते हुए नगर में आकर उसका सुनील से मिलने की कोशिश करना कोई खास हैरानी की बात नहीं थी, खास तौर से तब जबकि वह उसके फ्लैट का पता बखूबी जानती थी। सुनील ने झपट कर दरवाज़ा खोला। सामने चिंगम चबाती दीपा खड़ी थी। सुनील दरवाजे से एक तरफ हट गया। हेलो, वह बोली। मैंने कहा था मैं आज रात या कल सुबह तुमसे संपर्क स्थापित करूंगी। सुनील ने अपनी घड़ी पर दृष्टिपात किया। 11 बजने को थे।
कम इन, सुनील बोला। दीपा भीतर दाखिल हुई। उसने ड्राइंग रूम में आकर चारों ओर निगाह दौड़ाई और फिर बोली, यहाँ अकेले रहते हो? हाँ, सुनील बोला। उसने द्वार बंद कर दिया। शादी नहीं की? उसने एक सोफे पर बैठते हुए पूछा। नहीं। क्यों? तुम्हारी लिपस्टिक की रंगत बड़ी खूबसूरत है। दीपा सकपकाई, फिर उसने यूं सिर हिलाया जैसे सुनील का मंतव्य समझ गई हो और फिर बोली, फिर क्या फैसला किया तुमने? किस बारे में? सुनील बोला। दीपा ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और फिर बोली, शशांक भट्टाचार्य की स्क्रिप्ट जिंदगी और मौत के बारे में। और किस बारे में? पहले उस स्क्रिप्ट के बारे में कुछ और बताओ। और क्या बताऊं? और बताने लायक है ही क्या? मेरे पास शशांक भट्टाचार्य के आखिरी अप्रकाशित उपन्यास की इकलौती कॉपी है जो मैं तुम्हें बेचना चाहती हूँ। और क्या बताऊँ? उस उपन्यास की इस संसार में एक ही कॉपी उपलब्ध है। हाँ, श्योर श्योर, 100%। मैडम, तुम्हारे ब्लास्ट के दफ्तर से कूच करने के मुश्किल से 15 मिनट बाद वहाँ शांति स्वरूप कोहली नाम के एक आदमी की एक चिट्ठी पहुँची थी जिसमें उसने दावा किया था कि उसके पास शशांक भट्टाचार्य के आखिरी अप्रकाशित उपन्यास जिंदगी और मौत की स्क्रिप्ट थी जिसका सौदा वह हमसे करना चाहता था। और खुद हमारी जानकारी में शशांक भट्टाचार्य ने अपनी मौत के बाद अपने पीछे कोई अप्रकाशित पुस्तक छोड़ी ही नहीं थी। यह क्या माजरा है? यह क्या गोरख धंधा है? दीपा ने हाथ बढ़ाकर सुनील की बात थाम ली। कोई गोरख धंधा नहीं है स्वीटहार्ट, वह मादक स्वर में बोली। एक सीधे साधे सौदे में खामखा की पेचीदगियां पैदा करने की कोशिश मत करो। तुम ब्लास्ट में मेरा सौदा पटवाओ, मैं तुम्हें कमीशन दे दूंगी। कमीशन? या और भी जो तुम चाहो, वह बोली और उसने सुनील को अपनी तरफ खींच लिया। सुनील सोफे पर उसकी बगल में जाकर गिरा। तभी कॉल बेल बजी। ओ हेल, दीपा बोली और उससे अलग हट गई। सुनील उठकर दरवाजे की तरफ पड़ा। मुंह पोंछ लो, दीपा पीछे से धीरे से बोली। सुनील ने अपने दाएं हाथ का पृष्ठ भाग अपने होठों पर फिराया। लिपस्टिक का लाल लाल रंग उसके हाथ पर उतर आया। उसने हड़बड़ाकर रुमाल निकाला और पहले अपने होठ और फिर हाथ साफ किया। कौन होगा? एकाएक दीपा शशंक स्वर में बोली। शायद मीनाक्षी। देखते हैं, प्रत्यक्षता, सुनील बोला। सुनील ने दरवाजा खोला। बाहर दो आदमी खड़े थे, एक बेहद लंबा था और दूसरा बेहद ठिगना था, लेकिन दोनों एकदम हट्टे कट्टे और तंदुरुस्त थे। दोनों सूट पहने हुए थे और उनके चेहरे एकदम भावहीन थे। फरमाइए, सुनील बोला। जो हादसा बहुत बार हो चुका था वही फिर हुआ। सुनील कितनी ही बार कसम खा चुका था कि वह रात के वक्त बिना आगंतुक के बारे में जानकारी हासिल किए फ्लैट का दरवाजा नहीं खोलेगा, लेकिन वह हर बार भूल जाता था। जब कोई ताजी ताजी घटना होकर हटी होती थी तो उसे यह बात याद रहती थी, लेकिन जब थोड़ा वक्त गुजर जाता था तो वह फिर भूल जाता था और असावधान हो जाता था। लंबे आदमी ने अपना हाथ उसकी छाती पर रखा और पूरी शक्ति से उसे पीछे को धक्का दिया। सुनील लड़खड़ाता हुआ कई कदम पीछे हट गया। दोनों आदमी भीतर दाखिल हुए। ठिगने ने दरवाजा भीतर से बंद कर दिया। यह क्या गुंडागर्दी है? सुनील बोला। कौन हो तुम लोग? उन्होंने उत्तर देना जरूरी नहीं समझा। दीपा के नेत्रों में थोड़ी देर के लिए ही आतंक का भाव पैदा हुआ था, लेकिन अब वह पूर्वता निर्विकार भाव से बैठी चिंगम चबा रही थी। चुपचाप एक तरफ बैठ जाओ, ठिगने ने आदेश दिया। लेकिन तुम लोग चाहते क्या हो? सुनील तीव्र विरोधपूर्ण स्वर में बोला। कौन सी भाषा समझते हो मिस्टर? ठिगना बोला। मैंने कहा है चुपचाप एक तरफ बैठ जाओ। सुनील दीपा की बगल में सोफे पर जा बैठा। लंबे ने मेज पर पड़ा दीपा का हैंडबैग उठाया और उसे खोलकर उसका सारा सामान मेज पर उलट दिया। सौंदर्य प्रसाधनों, चाबियों, पैसों तथा कुछ कागजात के अलावा हैंडबैग में से एक असाधारण चीज भी निकली, एक छोटी सी ऑटोमेटिक रिवॉल्वर। उसने सारी चीज़ों को टटोल टटोल कर देखा, लेकिन शायद उनमें उसके मतलब की कोई चीज़ नहीं थी। उसने रिवॉल्वर उठाकर अपनी जेब में डाल ली और ठिगने से संकेत में कुछ कहा। ठिगने ने सहमति में सिर हिलाया। उसके बाद लंबे ने बड़ी ही बारीकी से फ्लैट की यूं तलाशी लेनी प्रारंभ कर दी जैसे वह कोई सुई तलाश कर रहा हो। यार, क्या ढूंढ रहे हो? सुनील बोला। मुझे बताओ, जिस चीज़ की तुम्हें तलाश है शायद वह मैं ही पेश कर दूँ।
चुपचाप बैठो, ठेगना धीरे से बोला, आखिरी बार कह रहा हूँ। लेकिन ठेगने ने जेब से रिवॉल्वर निकाली और उसे सुनील की तरफ तान दिया। सुनील ने होठ भींच लिए। ठेगने ने रिवॉल्वर वाला हाथ नीचा कर लिया। ये तुम्हारे संगी साथी तो नहीं? थोड़ी देर बाद सुनील ने दीपा से पूछा। दीपा ने उत्तर नहीं दिया, वह बस सतूर चिंगम चबाती रही। लंबे को कोई जल्दी नहीं थी, वह बड़े इत्मीनान से एक एक चीज, एक एक कोना खुदरा टटोल रहा था। उसने ड्राइंग रूम के फर्श पर बिछा कालीन तक उठाकर नीचे झांका, गद्दियों तथा तकियों को ब्लेड से काट काट कर उनके भीतर झांका, वार्डरोम में टंगे सुनील के कपड़ों की जेबें तथा सीवनों तक को टटोला, किचन में मौजूद चाय चीनी वगैरह के डिब्बों को उलट कर देखा, तस्वीरों के फ्रेम उखाड़ दिए। कहीं कोई सुई छुपाने लायक भी जगह नहीं थी जो उसने नहीं टटोली थी। तलाशी के दौरान एक बार टेलीफोन की घंटी बजी, किसी ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया। सुनील ने टेलीफोन सुनने के लिए उठने का उपक्रम किया तो ठिंगने ने रिवॉल्वर की नाल के इशारे से उसे यथास्थान बैठे रहने का संकेत किया। थोड़ी देर बाद घंटी बजनी बंद हो गई। फिर रेडियो, टेलीविज़न, पुस्तकों इत्यादि का पोस्टमार्टम आरंभ हुआ, फिर बाकी का फर्नीचर। एक लकड़ी की मेज पर उन्हें संदेह हुआ तो उसने उसकी चारों टांगे यह देखने के लिए उखाड़ दी कि कहीं वे खोखली तो नहीं थी। दो घंटे बाद जब मशीन जैसी तलाशी का सिलसिला बंद हुआ तो फ्लैट की हालत कबाड़ खाने से बदतर हो चुकी थी और उन दोनों की सूरतों से साफ जाहिर हो रहा था कि जिस चीज को वे तलाश कर रहे थे वह उनके हाथ नहीं लगी थी। फिर लंबा आदमी दीपा की ओर आकर्षित हुआ, उसने उसका चमड़े का कोट उतरवाया और उसकी जेबें टटोली, फिर उसने ब्लेड से उसकी धज्जियां उड़ा दी। कुछ हासिल ना हुआ। जूते, लंबे ने आदेश दिया। दीपा ने अपनी ऊंची एड़ी की सैंडल पैरों से झटक कर उतार दी। लंबे ने सैंडल की ऊंची एड़ियां उखाड़ कर देखा कि वे खोखली तो नहीं थी। उसने उनके तले उधेड़ डाले। उठकर खड़ी हो जाओ, अपने कपड़े उतारो, आदेश मिला। दीपा अपने स्थान से हिली भी नहीं। लंबे ने ठिगने की तरफ देखा। ठिगने ने सहमति में सिर हिलाया। वह दीपा के समीप पहुंचा। उसने एक झन्नाटेदार थप्पड़ दीपा के चेहरे पर रसीद किया। कपड़े, जहन्नुम में जाओ, दीपा फुफकारी। ठिगने ने फिर एक थप्पड़ रसीद किया। इस बार थप्पड़ इतनी जोर का पड़ा कि दीपा की गर्दन घूम गई और ठिगने की उंगलियों के निशान उसके गोरे गाल पर उछल आए। कपड़े, दीपा उठकर खड़ी हो गई। उसने अपनी बेल बॉटम जीन और लंबे कॉलरों वाली कमीज अपने जिस्म से नोच फेंकी। लंबे ने उन दोनों कपड़ों को भी अपनी पूर्व प्रदर्शित दक्षता से परखा। बाकी भी, उसने आदेश दिया। दीपा का जिस्म बहुत खूबसूरत था लेकिन उन दोनों बदमाशों के लिए वह पत्थर की प्रतिमा जितनी भी अहमियत नहीं रखता था। फिर लंबे ने आगे पढ़कर लड़की के रिब्बन से बंधे बाल खोल डाले। उसने बालों में उंगलियां फिरा फिरा कर देखा कि भीतर कहीं कुछ छुपा तो नहीं हुआ है। उसने उसका मुंह खुलवाया और फिर भीतर उंगली फिरा कर देखा कि मुंह में चिंगम के अलावा कुछ नहीं था। दीपा के जिस्म का कोई ऐसा भाग नहीं था जो उसने ठोक बजाकर नहीं देखा। कुछ बरामद ना हुआ। दीपा ने अपने कपड़े समेटे। कोट पहनने के काबिल नहीं रहा था, बाकी के कपड़े उसने पहन लिए। उसने मेज पर फैला अपने हैंडबैग का सारा सामान वापस हैंडबैग में भर लिया। लंबे ने एक गहरी सांस दी और सुनील की तरफ घूमा। कपड़े उतारो, उसने आदेश दिया। मैं? सुनील हड़बड़ाकर उठ खड़ा हुआ। हाँ तुम, जल्दी करो। यहीं लड़की के सामने? हाँ, मुझे शर्म आती है। ठिगना आंखों में कहर लिए रिवॉल्वर ताने उसकी तरफ पड़ा। एकाएक हैंडबैग की चमड़े की डोरियों से उसके हाथ में थमा दीपा का हैंडबैग हवा में लहराया और फिर भड़ाक से ठिगने के रिवॉल्वर वाले हाथ से टकराया। रिवॉल्वर ठिगने के हाथ से निकल गई। सुनील लंबे पर झपटा, उसने उसे जोर का धक्का दिया, वह नीचे गिरा। सुनील ने सेंटर टेबल उसके ऊपर उलट दी। दीपा ने एक तिपाई पर पड़ी पीतल की ऐश ट्रे उठाई और ठिगने की तरफ फेंक कर मारी। ऐश ट्रे भड़ाक से ठिगने की छाती से टकराई। ठिगना दोहरा हो गया। सुनील ने एक कुर्सी उठा ली और उसे हवा में घुमाने लगा। दीपा दरवाजे की तरफ भागी, लंबा उसके पीछे लपका। सुनील ने कुर्सी लंबे को फेंक कर मारी। कुर्सी उसकी पीठ से टकराई और वह कुर्सी के साथ उलझा उलझा फर्श पर ढेर हो गया। दीपा ने दरवाजा खोला और बाहर निकल गई। कुछ क्षण सीढ़ियों से उसके नंगे पैरों की धप धप की आवाज़ आती रही, फिर सन्नाटा छा गया। जब तक वे दोनों संभले
दीपा वहां से फूट चुकी थी। लंबा संभल कर उसके पीछे भागा, लेकिन थोड़ी देर बाद जब वह वापस लौटा तो उसके चेहरे पर लिखा था कि उसे दीपा की हवा भी नहीं मिली थी। फिर आंखों में खून लिए दोनों सुनील की तरफ पड़े। सुनील पीछे हटने लगा। लंबे ने एक ही छलांग में उसे बाज की तरह दबोच लिया। ठिगने ने उसकी पसलियों में घूसे बरसाने आरंभ कर दिए। फिर सुनील की चेतना लुप्त हो गई। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।